परसेंटेज पढ़ने के लिए जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं टेट सी टेट और सुपर टेट के लिए तो सी टेट में बहुत ज़्यादा खास अहम रोल नहीं हो जाता प्राथमिक कक्षा के लिए, लेकिन जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसको ब्राड करके पढ़ ले। एक बार अगर परसेंटेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि आप जो भी परीक्षा में जैसे भी प्रश्न चाहे जिस प्रकार के आएंगे आप आसानी से कर लेंगे, खासकर यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर हम देखें तो परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, उसके साथ साथ आप देखते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें दिखाई देता है मेंसुरेशन, 2D आकृति, 3D आकृति, इन सब में भी परसेंटेज सवाल आते हैं। तो सबके अलग अलग रूल, अलग अलग नियम होते हैं। हम प्रयास ये करेंगे कि हम एक ही रूल, एक ही नियम में सबको कर ले। चलिए तो मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा तो लाभ हानि बट्टा भी एक साथ क्लियर करता हूँ चलूँगा। जैसे एक प्रश्न लिखिए आप कि एक वस्तु का मूल्य 120 रुपया है, यदि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। मैंने प्रश्न क्या बोला, एक वस्तु का मूल्य 120 रुपया है, उसके मूल्य में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए उसका मूल्य क्या होगा। अब इसी प्रश्न को अगर हम लाभ हानि के दृष्टिकोण से देखें तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है, एक दुकानदार उसे 20% लाभ लेकर बेचना चाहता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये दो प्रश्न है, एक लाभ हानि से पढ़ लिया, एक बार परसेंटेज से, क्वेश्चन सेम है। अब लगाने का तरीका देखिए, पहले लगाने से कई तरीके, लेकिन हम लोग ये करेंगे कि हमें वस्तु का मूल्य आपको ज्ञात है, पता है कितना है 120 रुपया गुणे, क्योंकि वस्तु का मूल्य हमें पता है। अब गुणे, गुणे क्या करेंगे कि वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो हम पहले परसेंटेज बता चुके हैं कोई वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 120/100। अब ये 0 0 से कट गया, इससे इससे, तो कितना हो गया 12 × 12 144। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 144 रुपए होगा। एक प्रश्न और लिखिएगा, एक 250 रुपए की एक वस्तु में, 250 रुपए मूल्य की एक वस्तु में 30% की वृद्धि हो जाए, 30% की वृद्धि हो जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु क्या मूल्य 250 रुपए से बढ़कर 325 रुपया हो जाता है, एक वस्तु का मूल्य 250 रुपए से बढ़कर 325 रुपया हो जाता है, वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। फिर एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि के बाद वस्तु 325 रुपए का बिकता है तो वस्तु का मूल्य क्या था। यह तीनों सवाल प्रतिशत का है, इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसी प्रश्न को हम अन्य भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे, अन्य लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे अब देखेंगे पहले वस्तु का मूल्य कितना था, तो पता चला जो वस्तु का मूल्य था वो कितना था आपका 250 रुपया, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई 30% वृद्धि हुई, 100 से ज्यादा हुआ कम, वृद्धि में से ज्यादा होगा कितना ज्यादा 30, तो लिखेंगे 130/100। यह 0 इससे कट गया, 0 इससे कट गया, बचा क्या 25 × 13, तो कितना प्राप्त होगा आपको 325 रुपया। ठीक, फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 300, ये पहला प्रश्न मान लेते हैं इस टाइप का, या दूसरा प्रश्न लगा रहे हैं, फिर तीसरा प्रश्न हो गया, एक वस्तु का मूल्य 325 रुपया से बढ़कर, सॉरी 250 रुपया से बढ़कर 325 रुपया हो जाता है तो वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो सीधा सा लॉजिक इसका लगाने का, भैया माना वस्तु जो था, जो मूल्य वृद्धि की बात करते हैं तो 250 से 325 कितना ज्यादा है 75, मतलब 250 का लेकर 325 का बेचा, कितने महंगा बेचा 75, कितने में 250,
कितना अधिक लिया, कम लिया, ऊपर कितने में से लिया दिया वो नीचे। अब परसेंटेज के लिए गुणे सौ, फिर 25 से काटेंगे तो 25 तया 75, 25 से का 25 जीरो, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर बचा है 3 × 10 बराबर 30% अधिक। फिर अगला, फिर जो मैंने अगला क्वेश्चन बोला था इस टाइप का, हमने यह कहा था कि एक वस्तु का मूल्य में कुछ 30% की वृद्धि के पश्चात तो 325 रुपए का बिकता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो बस माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, गुड़े कितने में बेचा, लाभ कितना परसेंट लिया, 30, तो हो जाएगा 130/100, 130 की हुआ अधिक में बेचा, बराबर कितने बेच रहा है 325। अब यह जीरो जीरो से कट गया, 13 से काटेंगे तो 13 × 26 = 6, 13 × 5 = 65, ये 10/10 में उधर जाएगा, गुड़े में हो जाएगा, तो x बराबर 10 × 25 बराबर 250 रुपया। अब ये थे परसेंटेज के टाइप के, इसको ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि यहां से यूपी टीटी में प्रश्न आए हैं। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा अगर बदल दे लाभहानि में, तो सेम क्वेश्चन को मैं लाभहानि में सुना दे रहा हूं, आपको ध्यान सुनिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है, एक दुकानदार उसमें 30% का लाभ लेकर बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। फिर अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 325 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अगला टॉपिक आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे देखेंगे कि एक दुकानदार एक वस्तु को 30% लाभ लेकर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 325 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो सेम क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, लाभ हानि में भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अब आगे आप लोग लिखिए, इक्कीस सौ रुपए का एक रेडियो में 5% की कमी कर दी जाए तो रेडियो का मूल्य क्या होगा, रेडियो का मूल्य क्या होगा? अगला क्वेश्चन, इक्कीस सौ रुपए मूल्य का एक रेडियो 1995 रुपए में बिकता है, 1995 रुपए में बिकता है, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? अगला क्वेश्चन, एक रेडियो में 5% कमी के बाद वह रेडियो 1995 रुपए में मिलता है, तो बताएं कि रेडियो का मूल्य क्या था, या रेडियो का पहले मूल्य क्या था? ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। अब हम यहां देखते हैं कैसे साल होगा, पहले इसे परसेंटेज पढ़ते हैं, फिर इसे लाभ हानि में भी लेकर चलते हैं, और फिर इसी के साथ बट्टा भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, हमने क्या देखा कि एक जो वस्तु था, जो वस्तु, और वस्तु का मूल्य क्या था, 2100 रुपया था, उस पर 5% की छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, 5% छोड़ दिया जाता है, या 5% कम में बिकता है, तो कुल जो होता है 100, 5% कम, माने 5% कम कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 95/100 हो जाएगा। तो देखिए, यह दो लड्डू कट गया, अब गुणा करेंगे 21 × 95 तो होगा 1995, तो जो रेडियो का मूल्य है वो हो जाएगा 1995। प्रश्न हमने साफ साफ लिखा है, आप देख रहे हैं। अब इसी प्रश्न को यदि लाभ हानि में देखें तो हो जाएगा, एक दुकानदार या एक रेडियो का क्रय मूल्य 2100 रुपया है, तो उसका एक दुकानदार उस पर 5% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसी क्वेश्चन को बट्टा पे देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है, एक दुकानदार उसे 5% बट्टा देकर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रश्न यही है, केवल लैंग्वेज बदल गया, उत्तर वही प्राप्त होगा। ठीक, और आगे देखते हैं हम।
हाँ, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर ज्वाइन सीटेड लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। सारी क्लासेज हमारी मैथमेटिक्स के लेके सभी क्लासेज, आपको पूरा कोर्स और पूरी नोट्स सारी चीज़ें आपको हम नोट्स पीडीएफ फॉर्म में पूरे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिखा था कि एक वस्तु 2100 रुपया से घटकर 1995 रुपया हो जाता है तो वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई। तो फिर देखते हैं, अब देखते हैं जो वस्तु का मूल्य था तो वस्तु का मूल्य कितना था, 2100 रुपया से कम होकर कितना हो गया 1995। कम हुआ कि ज्यादा, कितना कम हुआ, दोनों का डिफरेंस 95 रुपया। कितने में से कम हुआ, 2100 में से, परसेंटेज के लिए 150, दो लड्डू कट गया, 105, क्योंकि घटाएंगे तो 105 प्राप्त होगा, तो कितना आ गया 5%। अब इसी प्रश्न को लाभ हानि में देखें तो एक दुकानदार या एक वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य उसका 1995 रुपया है, तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए क्या हानि हुई। या एक दुकानदार एक वस्तु को 2100 रुपये में लाकर 1995 रुपये में बेचता है तो वस्तु में कितने परसेंट की हानि, दुकानदार को कितने परसेंट की हानि हुई। बट्टा में देखिएगा यही प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है, एक दुकानदार उसे 1995 रुपए में बेचता है तो बताइए कि वह वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट का बट्टा दिया, बट्टा या छूट, ठीक। तो यही प्रश्न को दो तरह से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इस टाइप का जो है तीसरा जो प्रश्न था वो क्या था कि एक वस्तु के मूल्य में 5% की कमी हो जाने के बाद वस्तु 1995 रुपए में मिलती है तो वस्तु का मूल्य क्या था। तो माना वस्तु का मूल्य नहीं पता है, तो माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो माना 100 रुपया हो गया। फिर गुड़े फिर हमने क्या किया, कितना रुपया 5% की कमी किया, माने 100 से कम या ज्यादा, कमी माने कम, कितना 5 माने 95/100, तो 95% माने 95/100। अब वस्तु कितने बिक रही है, 1995 रुपए में बिक रही है, हो जाएगा 1995। अब यक्स बराबर उधर जाएगा, पलट जाएगा 1995, 100 ऊपर 95, ये काटेंगे दो बार फिर 21, तो 21 × 100 = 2100। तो वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 2100 रुपया। इसी प्रश्न को आते हैं लाभ हानि में देखते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि के बाद 1995 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, 1/95/100 = 1995, x का मान आ गया क्रय मूल्य। इसी प्रश्न को भट्टे में देखते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% के बट्टा देने के बाद उसे 1995 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है आपको, वस्तु का क्या, अब अंकित मूल्य क्या था। सेम प्रश्न को हम लाभ हानि बट्टा और परसेंटेज तीनों में हम इसे आसानी से पढ़कर इसे समझ सकते हैं। और इसी प्रकार के आप देखेंगे कई बार प्रश्न आए हैं और आएंगे, अभी तो मैं केवल आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, अभी से प्रश्न जब सॉल्व कराऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि प्रश्न की लैंग्वेज तो बदल जाते हैं लेकिन लगाने का तरीका एक जैसा रहता है। इसके बाद जो हम लोग गणित पढ़ने जाएंगे उस गणित को आप ध्यान समझिएगा, वह गणित आपके लिए यह टेक्निक समझे रहेगा, इसी टेक्निक के इसी प्रोसेस के उससे हम और आगे पढ़ेंगे। और उस गणित की यह खासियत है कि वह गणित, मतलब परसेंटेज का ही सवाल लगाएंगे, परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न और साथ ही साथ आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, घन, घनाभ,
गोला, शंकु, बेलन, इन सभी पर हम फार्मूला कोई यूज नहीं करेंगे। बिना फार्मूले के हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इस अध्याय से कहां कहां से प्रश्न आए थे, उन अध्यायों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो लिंक को आप अन्य सभी तक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप संपूर्ण क्लास चाहते हैं तो अब ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और ऐसे भी आप नहीं ज्वाइन करना चाहते फिर भी आप एनसीईआरटी किताबें लेकर इसे पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें आप किताब से सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि केवल लैंग्वेज का फर्क रहता है, बाकी जहां भी परसेंटेज की बात होती है सारा मेथड एक ही होता है। इसके पहले भी हमने पढ़ लिया और इसके आगे भी हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे, और अभी तक प्रयास ये करेंगे कि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के साथ साथ अन्य राज्यों में जो प्रश्न आए हैं कहां से, इस अध्याय से, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो फिर ऑनलाइन क्लास के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन सीटेट लिख के क्या करना है, 6306344367 पर क्या लिख के भेजना है, ज्वाइन सीटेट। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहां पे डेली प्रश्नों की क्विज आपको मिलेगी। यदि आप फेसबुक यूजर हैं तो फेसबुक पेज पे भी इलेनी बुद्रगेश पे आप ज्वाइन करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां भी हम आपके साथ हैं, और वहां पे भी आपको क्वेश्चन सीरीज, नोट्स की पीडीएफ और इमेज फाइल आपको वहां प्राप्त हो जाएंगी। इस वीडियो लिंक को आप शेयर करके अन्य सभी तक पहुंचा दीजिएगा, और ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।